हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। शराबी लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। लोग तो यही कहते हैं। पूर्णिमा को चांद पर जाने की बहुत इच्छा थी। उसका नाम पूर्णिमा था, इसीलिए उसे लगता था मेरा नाम पूर्णिमा है, जरूर चांद से मेरा कोई रिश्ता है, मुझे चांद पर जाना है। पूर्णिमा की शादी आशुतोष के साथ हुई। आशुतोष गाँव में रहता था और उसकी एक किराने की दुकान थी। उस दुकान में वो चोरी छुपी शराब बेचता था। एक महीने में किराने का सामान बेचकर जितना पैसा आता है, शराब से उससे दोगुना आ जाता है। आशुतोष शराब बेचकर पैसे तो कमाता था, लेकिन वो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। पूर्णिमा, शादी के 2 महीने हो गए, मैंने अभी तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आशुतोष को लगा पूर्णिमा बाकी लड़कियों की तरह साड़ी या गहने मांग लेगी, लेकिन पूर्णिमा ने कहा, सच बोलूं, मैं जो बोलूंगी आप मुझे वही देंगे। हाँ हाँ, तुम मेरी बीवी हो पूर्णिमा, तुम जो भी कहोगी मैं वही दूंगा, पक्का। देखिए, बताने के बाद अगर नहीं दे पाए तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी। तुम बोल कर तो देखो, मैं तुम्हारे कदमों में चांद ला दूंगा। हाँ हाँ, वही तो चाहिए, कदमों में चांद नहीं, चांद पर कदम रखना है मुझे। आए, क्या? आशुतोष को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने ठीक से सुना या नहीं, उसके कान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। उसने ठीक से पूछा, क्या बोला तुमने, चांद पर कदम? हाँ हाँ, मेरा सपना है कि मैं एक दिन चांद पर जाऊंगी। लेकिन ये कैसे संभव है? क्यों, आप ही ने तो कहा कि मेरे लिए कदमों पर चांद भी ला दोगे। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा तो सभी आशिक बोलते हैं, इसका मतलब सच में चांद थोड़ी है। कुछ गहने मांगो, साड़ी मांगो, महंगी चीज मांग लो, मैं तुरंत दिला दूंगा। नहीं, मुझे चांद पर ही जाना है, आप ही ने बोला था कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। आशुतोष कुछ बोल नहीं पाया, घर में घोर कलेश शुरू हो गया। अगले दिन पूर्णिमा ने गुस्से से आशुतोष के लिए खाना भी नहीं बनाया, वो भूखा पेट लेकर ही दुकान पर चला गया। अरे यार, मैंने पूछा ही क्यों, और चांद कदमों पे लाने के बाद भी क्यों कही, लानत है मुझ पर, अब मैं इस रूठी पत्नी को कैसे मनाऊं। आशुतोष दुखी दुखी सा रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उसकी दुकान पर हर रोज बकलोल शराबी नाम का आदमी शराब खरीदने आता था। उसने एक दिन शाम को आशुतोष से कहा, आशुतोष भाई, कुछ दिनों से देख रहा हूँ आपका मूड थोड़ा डाउन है। हाँ, वो घर में कुछ कलेश चल रहा भाई। हाँ, मुझे पता था, शादी करने से कलेश ही होता है, इसीलिए मैंने शादी की नहीं है। तो जैसे बेड़े से शादी करती भी कौन। हाँ, वो बात भी सही है भाई, जो भी हो आपका मूड खराब है, इसीलिए आपको देखकर मेरा भी मूड खराब हो जा रहा है, इसीलिए दारू चढ़ भी नहीं रही है। परेशानी क्या है, बोलो बोलो, क्या कर लेगा सुनकर। हल निकालूंगा, शराबी कभी कभी ऐसा आइडिया देता है ना कि क्या बताऊं। हाँ, आप बस बोलो मुझे, क्या परेशानी है। आशुतोष भी किसी से शेयर करने के लिए मरा जा रहा था। उसने बकलोल शराबी को सब कुछ बता दिया। बकलोल ने कहा, बस इतनी सी बात। देखो आशुतोष भाई, शराब पिया करो, शराब पीने से तुम बैठे बैठे चांद पर पहुंच जाओगे। बैठे बैठे चांद पर, और नहीं तो क्या भाई, बकलोल का वादा है, आप बस पी कर देखो, भाभी जी को भी पिलाओ है। जाओ जाओ, दुकान बंद करके आज चांद का सफर करके आओ, मैं भी चलता हूँ, मुझे आज मंगल ग्रह जाना है भाई। बकलोल गाना गाते हुए चला गया, लेकिन बकलोल की बातें आशुतोष के दिमाग में घूमती रही। वो एक बोतल लेकर घर चला गया। पूर्णिमा, कहाँ हो? कहीं भी रहो, आपको क्या। इधर आओ, चांद पर चलते हैं। चांद के बारे में सुनकर पूर्णिमा खुश हो गई। चांद पर क्या बात कर रहे हो, सच में। हाँ पूर्णिमा, ये देखो, इसे पीने से हम दोनों चांद पर चले जाएंगे। तो फिर चलिए पीते हैं। पूर्णिमा और आशुतोष शराब पीने बैठ गए। पहला घूंट पी कर पूर्णिमा ने कहा, छी, कितना गंदा टेस्ट है इसका। अब चांद पर जाने के लिए ये तो पीना ही पड़ेगा। धीरे धीरे पूर्णिमा और आशुतोष ने पूरी बोतल खत्म कर दी और दोनों का सर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है, सब कुछ घूम क्यों रहा है। हम
रॉकेट में है पूर्णिमा, स्पेस पर जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ घूमता है। सच कह रहे हो, हम स्पेस पर हैं। कितने सारे सितारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन चांद किधर है, मुझे दिख नहीं रहा है। बुद्धू कहीं के, वो रहा चांद। रॉकेट को उस तरफ मोड़ो। मोड़ दिया। दोनों आंखों के सामने ये सब देख रहे थे, वो चांद के बिल्कुल सामने थे। हाँ जी, अब हम चांद के सामने आ गए, अब लैंड करना होगा। रॉकेट को लैंड करवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये देखो, आशुतोष ने रॉकेट को चांद पर लैंड करवा दिया। पूर्णिमा और आशुतोष चांद पर उतरे। पूर्णिमा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अरे वाह, मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं चांद पर आ गई हूँ। ये मेरा बचपन का सपना था। अब तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना पूर्णिमा, मैं तुम्हें चांद पे ले आया। बहुत ज्यादा, आप तो मेरे हीरो हो। चांद पर बहुत मजा आ रहा है। सुना है यहाँ ग्रेविटी कम है, हम यहाँ लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो चलो लगाते हैं। आशुतोष और पूर्णिमा लंबी लंबी छलांग लगाते रहे और जी भर कर जीने लगे। अचानक उन दोनों के साथ बकलोल शराबी की मुलाकात हो गई। अरे आशुतोष भाई, कहा था ना चांद में आ जाओगे। बकलोल, तू तो मंगल में जाने वाला था ना। अरे प्लान में बदलाव आ गया भैया, सोचा आपके साथ आज चांद पर ही घूम लेता हूँ। मेरा क्या है, कल चला जाऊंगा मंगल। तीनों एक साथ बहुत मजे करने लगे, लेकिन तभी अचानक से पूर्णिमा को खांसी शुरू हो गई। मुझे सांस नहीं आ रही है। मुझे सांस नहीं आ रही है। पूर्णिमा सांस नहीं ले पा रही थी, वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से खांसने लगी। ये देखकर आशुतोष का सारा नशा उतर गया। उसने देखा वो दोनों उसके घर के अंदर ही हैं और पूर्णिमा जमीन पर लेटे हुए खांस रही है। पूर्णिमा बात ही नहीं कर पा रही थी। आशुतोष उसे लेकर अस्पताल चला गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दवाई दी, फिर जाकर पूर्णिमा ठीक हुई। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल आने में थोड़ी देर और हो जाती तो आपकी जान भी जा सकती थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरी पत्नी को? अत्यधिक शराब पीने की वजह से। शराब वैसे ही हानिकारक है, ऊपर से इतना ज्यादा पियोगे तो हार्ट अटैक तो होगा ही। नहीं नहीं, मैं और नहीं पियूंगी, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं जाना है चांद पे। पूर्णिमा के सर से चांद पर जाने का भूत उतर गया। आशुतोष ने दुकान में शराब बेचना बंद कर दिया। उन दोनों को समझ में आ गया कि गलत इच्छा और शराब पीना दोनों ही बुरी चीज है। हम भी देखते हैं हमारे साथ कैसे नहीं जाएगा। ये मेरे पति हैं और मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आज रजनी अपने जिस पति के लिए दुनिया से लड़ रही थी वो एक किन्नर है। सागर के जन्म से पहले सावित्री रामपुर में अपने पति रमेश और सास के साथ रहती थी। अरे सावित्री क्या कर रही है, पता है ना दाइमा बोल कर गई थी इस हालत में तू आराम किया कर। यही बात तो इसे मैं बोलती रहती हूँ पर ये सुनती ही कहाँ है। आ मेरी मैया, अम्मा जी बहुत तेज दर्द उठ रहा है। लगता है बहू के बच्चे का दर्द छिड़ गया है। रमेश जल्दी से दाइमा को बुला कर ले आ। अम्मा तुम सावित्री को संभालो, मैं अभी लेकर आता हूँ। रमेश दाइमा को लेकर आता है। वो और उसकी माँ दोनों बाहर इंतजार कर रहे थे, तभी दाइमा बाहर आती है। उनका मुँह उतरा हुआ था। क्या बात है सुशीला, तेरा मुँह क्यों लटका हुआ है? बहू और बच्चा ठीक तो है? अब मैं क्या ही बोलूं अम्मा जी, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म कह लो या इस जन्म की कोई भूल कह लो, तुम्हारी बहू ने एक किन्नर को जन्म दिया है। क्या, ये तू क्या कह रही है सुशीला? सावित्री बहू ने किन्नर को जन्म दिया है? सत्यानाश हो, जन्म भी दिया तो एक किन्नर को। अब क्या होगा अम्मा, हम तो पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं किन्नर का बाप कहलाऊंगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर उस बच्चे की गर्दन दबा दूंगा। दाइमा वहाँ से चली जाती है। रमेश गुस्से में सावित्री के पास जाता है और उस बच्चे का गला दबाने लगता है। नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये जैसा भी है जो भी है बदनसीब मेरी औलाद है, मेरी कोख से मैंने इसे जन्म दिया है, इसे मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। रमेश पड़ी रहने दे नासपीटी को, इस नासपीटी के साथ तू मेरे साथ है। रमेश माँ के साथ बाहर जाता है। सावित्री उन दोनों की बातें सुन लेती है।
देख रमेश, इस बच्चे को अभी हाथ लगाया तो पूरे गांव में शोर मच जाएगा। रात के अंधेरे में जब सावित्री सो रही होगी तब इसके नर को बहती नदी में फेंक देंगे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकली और मंगलपुर गाँव में आकर रहने लगी। सावित्री ने मजदूरी करके अपने बेटे सागर को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी कमजोरी दुनिया से छुपा कर रखी। सागर पढ़ लिख कर उसी गांव के एक स्कूल में पढ़ाने लगा। सागर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रजत भी था, जिसकी बड़ी बहन रजनी सागर को पसंद करती थी, पर सागर नहीं चाहता था कि रजनी उसके करीब आए। सागर, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? यही कारण है ना कि मैं पढ़ी लिखी शहरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखती? पर तुमने कभी मेरा दिल निकाल कर देखा होता तो इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। रजनी, बस है कोई वजह जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इस कारण तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। रजनी को बहुत दुख पहुंचता है। कुछ समय बाद रजनी की शादी विनोद नाम के लड़के से तय हो जाती है। शादी के दिन विनोद का पिता दहेज की मांग लेकर अड़ जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो दो, जैसे ही फसल बिकेगी मैं बाकी के रुपए भी आपको दे जाऊंगा। तो ठीक है, हम बारात वापस ले जाते हैं। ऐसा ना कहो जयकिशन बाबू, बिन माँ के मेरे बच्चों ने पहले ही बहुत दुख झेले हैं। मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। भगवान के लिए ये शादी होने दो मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बापू, मेरे कारण तुम ऐसे लालची लोगों के पैरों में मत गिरो। जाते हैं तो जाने दो ऐसे लोगों को, मुझे भी ऐसे लालची लोगों के घर बहू बनकर नहीं जाना। इससे तुम्हें कुंवारी ही अच्छी हो। चल बेटा विनोद, बारात वापस जाएगी। रुक जाओ किशन बाबू, ऐसा मत करो, रुक जाओ। रजनी की बारात वापस लौट जाती है। ये सदमा रजनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूद जाती है। अचानक सागर उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे कुएं में कूद जाता है और किसी तरह रजनी को कुएं से बाहर लाता है। मेरी बच्ची, हे भगवान, क्या करने जा रही थी? अगर तुझे कुछ हो जाता सागर बेटा, तुम नहीं होते तो आज मेरी बच्ची। दीदी आंखें खोलो ना, क्या हुआ दीदी? रजनी की जान बच जाती है। उसके मन में सागर के लिए और प्यार बढ़ जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने सागर के घर जाने लगी थी। रजनी बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी। सागर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो मैंने सूजी का हलवा बनाया था, सागर को बहुत पसंद है, मुझे पता था इसलिए ले आई। अच्छा, सिर्फ सागर के लिए ही लाई हो, मेरे लिए नहीं? नहीं नहीं माँ जी, आप भी खाओ ना, वो तो मैं बस। रजनी तुम यहाँ? सागर, रजनी ने सूजी का हलवा बनाया था, वो तुम्हारे लिए लेकर आई है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे बताना हलवा कैसा था। रजनी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, पर सागर सावित्री से कहता है, माँ, रजनी मेरी सच्चाई नहीं जानती, मैं नहीं चाहता मेरे कारण उसकी जिंदगी खराब हो। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ वो मेरे लिए अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही है। मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर रहे। ये बात वो नहीं जानती कि मैं एक किन्नर हूँ, मैं एक साधारण इंसान की तरह उसके काबिल नहीं हूँ। सागर को लगा था कि रजनी वहाँ से जा चुकी है, पर रजनी तो दरवाजे की ओट में खड़ी सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो सारी रात सागर के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन रजनी उठी और वो सागर के घर पहुंची और सावित्री के पैर छूकर बोली, माँ जी, क्या आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? रजनी, तुम सागर के बारे में कुछ नहीं जानती। सागर, माँ जी, मैंने कल आपकी और सागर की सारी बातें सुन ली थी। सागर की सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में सागर के लिए और प्रेम बढ़ गया है। सागर मेरे लिए पूरी तरह से मेरे पति बनने लायक है। सागर का दिल बहुत साफ है। जो लड़का पिताजी ने मेरे लिए देखा था वो लोग तो लालची निकले। घटिया लड़के से शादी करने से अच्छा है सागर जैसे नेक दिल इंसान से शादी करूं। मैं सागर को पसंद करती हूं और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। चुप चुप जियो मेरी बच्ची, तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। सागर को भी सारी सच्चाई पता चलती है। रजनी के अटूट प्रेम को देखकर सागर उससे शादी के लिए हाँ कह देता है और रजनी की शादी सागर के साथ हो जाती है। एक दिन सावित्री का पति रमेश उस गांव में आता है और वो सावित्री और सागर को एक दुकान पर खड़ा देख लेता है। सावित्री सागर के साथ घर की तरफ निकलती है तो रमेश उस दुकानदार के पास जाता है। भैया, ये जो अभी एक औरत तुम्हारे से सामान लेने आई थी, ये कौन है? ये तो सावित्री बहन है और साथ में उनका बेटा सागर है, स्कूल में मास्टर है, अभी अभी शादी हुई है इसकी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो किन्नर था, एक किन्नर पति कैसे बन सकता है? जरूर सावित्री ने इसके किन्नर होने की बात सबसे छुपा कर रखी है। अगर मैं शहर में किन्नर को जाकर ये सच्चाई बता दूं तो वो इसे उठा कर ले जाएंगे और बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे दे देंगे, मेरे तो मजे ही आ जाएंगे।
रमेश सागर का सगा बाप होने के बावजूद भी इतनी घटिया हरकत करता है कि वो शहर जाकर किन्नरों को सागर की सच्चाई बता देता है और उनसे बदले में 50,000 रुपए ले लेता है। सभी किन्नर सागर को लेने गांव पहुंच जाते हैं। रजनी उस समय अपने पिता के घर गई हुई थी। सब गांव वाले भी सच्चाई को जान जाते हैं। हाय हाय, मैं भी देखती हूँ तू कैसे हमारे साथ ले जाएगा। तू किन्नर है और हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। तेरे बाप को 50,000 रुपए दिए हैं, उसी ने हमें तेरी सच्चाई बताई है। मैं क्या करूँ माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा अपना बाप ही मेरे खिलाफ हो गया। मुझे नहीं पता था काला साया बनकर तेरा पिता तेरा दुश्मन बन जाएगा। बचपन में तो मैंने तुझे उससे बचा लिया था। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी रजनी आ जाती है और वो किन्नरों का रास्ता रोक देती है। अरे ये औरत तो पागल हो गई है, एक किन्नर को अपना पति कहती है। जब तक ये हमारे साथ नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे हमने पैसे दिए हैं इसे यहाँ से ले जाने के। ये मेरे पति हैं और ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। कानून के हिसाब से किसी को भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक होता है और सागर और मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। गांव वाले रजनी के साहस की प्रशंसा करते हैं और सब उसका साथ देते हैं। गांव वाले जानते थे कि सागर एक भला इंसान है। सब गांव वाले मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और किन्नरों को पकड़ाते हैं। ये लो, हम सब गांव वालों ने 50,000 रुपए जोड़कर दे दिए हैं। अब तुम आज के बाद सागर को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। हाँ हाँ, हम क्यों तंग करेंगे। अब जब हमारे पास पैसे हमें मिल गए हैं तो हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। पर जाते जाते मैं इतना ही कहूँगी, रजनी जैसी पत्नी जिसके साथ हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। चलो रे चलो, बस निकल जाएगी, समय से शहर पहुँचना है। सागर सब गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है और रजनी और सागर दोनों मिलकर सावित्री के पैर छूते हैं। सावित्री अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है।